श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान भीरो, मंगलं गौतमो गणि, मंगलं कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार्थसूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। सूत्रात्मक शैली, संस्कृत इसकी भाषा, 10 अध्यायों में विभाजित, 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग द्वितीय अध्याय में जीव के भाव, जीव का लक्षण, जीव के जन्म आदि के बारे में, जीव के शरीर आदि के बारे में चर्चा कर रहे थे। और बहुत सुंदर यहाँ पर 5 शरीरों की बात चली यहाँ पर। आज हम सब लोग इस सूत्र को आगे बढ़ाते हुए सूत्र नंबर 37, 37वां नंबर सूत्र देखेंगे कि इसमें आचार्य भवन हमें आगे क्या बता रहे हैं। सभी लोग अपनी जिनवाणी में निकाल लेंगे, एक बार उच्चारण हम करेंगे, पुनः सभी आप लोग। परम 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 सूक्ष्मम, सूक्ष्मम परम 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 सूक्ष्मम, सूक्ष्मम। इस प्रकार से यहाँ सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसको बोर्ड के माध्यम से एक बार उच्चारण करते हैं। तो सूत्र दूसरे अध्याय का 37वां नंबर सूत्र है, बहुत सरल सूत्र है। परम परम सूक्ष्मम, परम परम सूक्ष्मम, इस प्रकार से इस सूत्र का उच्चारण है। और इसका अर्थ बहुत सरल है। परम परम, परे परे, आगे आगे के, आगे आगे के जो शरीर हैं वो एक दूसरे की अपेक्षा सूक्ष्म हैं। कैसे हैं? सूक्ष्म हैं। जैसे स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम, तो इस प्रकार से आगे आगे के शरीर कैसे होते जा रहे हैं? वो सूक्ष्म होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 प्रकार के शरीर अपन ने पढ़े, यहाँ पर आप स्लाइड में देख रहे होंगे। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर, ये 5 प्रकार के शरीर हैं। सूक्ष्मता कैसे लेना है? देखिए, औदारिक शरीर सबसे स्थूल शरीर है, क्योंकि वो स्थूल शरीर पकड़ने में आ जाता है, दिखने में आ जाता है, तो इस प्रकार से इसलिए वो स्थूल है। और उस स्थूल की अपेक्षा से जो वैक्रिय शरीर है वो सूक्ष्म है, मतलब औदारिक की अपेक्षा से सूक्ष्म शरीर कौन सा है? वैक्रियक शरीर है, ठीक है ना। और जो वैक्रियक शरीर की अपेक्षा से आहारक शरीर क्या है? सूक्ष्म है। तो वैक्रियक से सूक्ष्म कौन सा शरीर हो गया? आहारक शरीर हो गया। और आहारक शरीर से भी सूक्ष्म कोई शरीर है तो वो तेजस शरीर है। और सबसे सूक्ष्म जो शरीर है वो कार्मण शरीर है। एक बार जरूर ध्यान रखना, जैसे हमने आपको बोला तेजस से कार्मण शरीर सूक्ष्म है, तो तेजस की अपेक्षा से आहारक शरीर तो स्थूल हो गए, आगे आगे के तो स्थूल कहलाएंगे और पीछे पीछे के क्या कहलाएंगे? सूक्ष्म कहलाएंगे। जैसे आहारक शरीर से स्थूल कौन सा शरीर है? तो वैक्रिय शरीर है। पर आहारक शरीर की अपेक्षा से तेजस शरीर कैसा है? वो सूक्ष्म शरीर है। तो अपन आगे के लिए जाएंगे, पीछे के लिए जाएंगे तो वो स्थूल स्थूल होते जाएंगे, आगे आगे के जाएंगे तो वो सूक्ष्म होते जाएंगे। सूक्ष्म का यहाँ पे मतलब क्या है? सभी जो हैं पौदलिक वर्गणाओं के स्कंधों से शरीर बने हुए हैं। ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें पौदलिक वर्गणाएं ना हों, लेकिन पौदलिक वर्गणाओं में भी कुछ भिन्नता होती है। कुछ स्कंध ऐसे होते हैं जो दिखते भी हैं, कुछ स्कंद ऐसे होते हैं जो बहुत सूक्ष्म होते हैं जो दिखते नहीं हैं, और भी उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं जो और भी दिखने में ना आए। तो इस प्रकार से सूक्ष्म 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 की स्थितियाँ उसमें बढ़ती जाती हैं। तो सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम,
ये जो तर और तम जो प्रत्यय लगाते हैं संस्कृत में, वो किसके लिए लगाते हैं? घटने के अर्थ में भी और बढ़ने के अर्थ में भी। जैसे आप लगाएंगे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। इंग्लिश में लगाते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर और बेस्ट, सबसे ज्यादा सुंदर, ठीक है? अच्छा, तो इसी प्रकार से सुंदर और सुंदर, सबसे सुंदर, ठीक है? सूक्ष्म और सबसे सूक्ष्म। तो ये तर और तम प्रत्यय लग जाता है, तो वो उसका अर्थ इस प्रकार से होने लगता है, मंद, मंदतर, मंदतम, कम और सबसे कम। तो इन प्रत्ययों का भी हमें थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, और सबसे सूक्ष्म जो है वो कार्मण शरीर है। यहाँ पर जो स्कंद हैं, वो स्कंद कैसे हैं? सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहे हैं शरीर के। औदारिक शरीर के जो स्कंद हैं वो स्थूल हैं, जो हम आम लोगों को दिखने में पता चल जाता है, स्पर्श करने में पता चल जाता है। लेकिन यदि वैक्रिक शरीर वाला कोई व्यक्ति यहाँ पर अदृश्य रूप से है, और उसका यहाँ पर शरीर, मान लो यहाँ कोई देवता खड़े हों, कोई मंदिर में देव दर्शन करने आए हों, और देव भी देवी यहाँ पर हों, और हमें नहीं दिख रहा है, तो क्या उनका शरीर नहीं है? शरीर है, लेकिन उनके शरीर की जो वर्गणाएं हैं वो कैसी हैं? स्थूल जो औदारिक शरीर थे उससे भी उनकी वर्गणाएं कैसी हैं? सूक्ष्म हैं, जो हमको यहाँ होते हुए भी मौजूद दिखाई नहीं देती हैं। देवों के जो शरीर की जो वर्गणाएं हैं, उस वर्गणाओं से भी ज्यादा सूक्ष्म किसका है? अहारक शरीर का है। और जो मुनिराज हैं, मुनिराज के जो मस्तक से एक श्वेत रंग का और जो सौम्य आकार का एक शरीर निकलता है शंका समाधान के लिए ढाई दीप के अंदर, तो वो जो शरीर होता है वह सूक्ष्म शरीर वैक्रिक की अपेक्षा से होता है। और आहारक से भी सूक्ष्म शरीर जो होता है वो तेजस शरीर होता है। हमारे औदारिक शरीर में तेजस शरीर है पर हमको दिखता नहीं है। जो ये तेज और जो कांति दिख रही है, वो तेज कांति जो है वो हमको दिखती नहीं है। जो दिख रहा वो औदारिक शरीर ही दिख रहा है, पर तेज कांति है। यदि तेजस शरीर शरीर में ना हो तो भोजन का पाचन नहीं हो सकता। हमें जो ठंडी, जो गर्मी आदि जो महसूस होती है वो तेजस शरीर के कारण से ही होती है। तो इस प्रकार से ये तेजस शरीर जो है वो आहारक शरीर से भी सूक्ष्म है, और कार्मण शरीर तो इतना सूक्ष्म है कि हम चारों शरीर के बिना, तीनों शरीरों के बिना भी रहें, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तो विग्रह गति में हमारी आत्मा, जो जहाँ औदारिक शरीर भी नहीं है, वैक्रिक शरीर भी नहीं है, वहां पर ओनली कार्मण शरीर है। इतना सूक्ष्म है कि वो आत्मा के साथ कहीं भी जा सकता है, किसी भी स्थान से निकल सकता है, दीवार से निकल जाए, कहीं से भी निकल जाए, तो वो कार्मण शरीर अत्यंत सूक्ष्म होता है। नमोस्तु गुरुदेव, आप शरीर की वर्गनाएं बता रहे थे, शरीर की वर्गनाएं क्या होती हैं गुरुदेव? पुद्गल के एक परमाणु में अनंत अविभाग शक्तियां होती हैं, अविभाग प्रच्छेद जिसे कहते हैं, और उन शक्तियों के समूह को वर्ग कहते हैं, एक पुद्गल परमाणु की। और ऐसे वर्गों के समूह को, ऐसे अनंत वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, कि बहुत सारे अनंत परमाणु शक्ति रूप से मिलते हैं तो एक स्कंद तैयार होता है, वो स्कंद जो है वो वर्गणा कहलाता है। उन्हीं वर्गणाओं का यहाँ पे जो बात चल रही है कि ऐसे वर्गणा जब कलेक्ट होती हैं तो किसी का औदारिक शरीर बनता है। अब वो वर्गणाएँ क्या हैं? कोई स्थूल वर्गणाएँ होती हैं, कुछ सूक्ष्म वर्गणाएँ होती हैं। जैसे अभी साइंस से जिन वर्गणाओं को पकड़ पा रहा है वो स्थूल वर्गणाओं को पकड़ पा रहा है, जैसे टेलीविजन के माध्यम से आप कुछ देखते हैं, टेलीकास्ट करते हैं, या कोई फोन के माध्यम से कोई रेंज है, अल्फा, बीटा, गामा आदि जो भी किरण है, जो भी आप प्रकार की रेंज पकड़ रहे हैं संसार में, वो स्थूल को पकड़ पा रहे हैं, उससे भी और भी सूक्ष्म है। यद्यपि हमारे लिए वो सूक्ष्म है क्योंकि दिखती तो हमको भी नहीं है, जो भी वर्गणाएं जो साइंस भी पकड़ रही है वो भी हम उसको पकड़ देख नहीं सकते हैं, तो हमारे लिए तो सूक्ष्म है, लेकिन कैमरे आदि से या किसी यंत्र के माध्यम से पकड़ी जा रही हैं तो वो स्थूल हैं, और जो नहीं पकड़ी जा रही वो और भी उससे सूक्ष्म हैं, अनंत वर्गणाएं ऐसी। तो यहाँ पर हमें अभी तो कार्बन वर्गणा की बात चल रही है, तेजस
23 प्रकार की जो वर्गणाएं हैं उनकी बात नहीं चल रही है, जो अभी यंत्र आदि के माध्यम से कर रहे हैं वो अन्य वर्गणाएं हैं, वो कार्मिक वर्गणाएं नहीं हैं। तो ऐसे शरीर की वर्गणाओं से निर्माण होना कि जो स्थूल हो, जो पकड़ने में आए, जो दिखने में आए, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं उनके जो शरीर की जो संरचना है, जो रचना है, वो इस प्रकार की वर्गणाओं से होता है कि जो हमको दिखने में नहीं आती है। तो और सूक्ष्म सूक्ष्म वर्गणाएं भी हैं, तो एक की अपेक्षा दूसरी जो वर्गणाएं हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होती जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपका वर्गणा का जो प्रश्न था यही है कि परमाणु, अनंत परमाणुओं की शक्तियों का जो पिंड स्कंद है उसे वर्गणा कहते हैं, और उसी वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं, उसी स्पर्धक से शरीर आदि का क्या होता है, निर्माण आदि होता है। इस प्रकार से अभी अपन ने 5 शरीर की सूक्ष्मता देखी कि एक की अपेक्षा एक शरीर कैसा होते जा रहा है, सूक्ष्म होते जा रहा है। अगला सूत्र 38 नंबर का 38वां सूत्र है, जिसमें आचार्य भुवन इन शरीरों के प्रदेश के बारे में बता रहे हैं। प्रदेश बढ़ेंगे और शरीर की सूक्ष्मता घटेगी, ये दोनों कैसे घटित होंगे इसके बारे में अपन पहले सूत्र पढ़ते हैं और सूत्र का उच्चारण करते हैं और फिर इसका अर्थ अच्छी तरह से अपन समझते हैं। प्रदेश तो संख्या गुणम प्राक तैजसात, प्रदेश तो संख्या गुणम प्राक तैजसात। इस प्रकार से सूत्र का अपन उच्चारण देखा, एक बार इसको बोर्ड के माध्यम से और संधि विच्छेद करके इस सूत्र का अर्थ देखते हैं। सूत्र दूसरे अध्याय का 38वां नंबर है, अपन ने पढ़ा इसको प्रदेश तो, अच्छे से शुद्ध पढ़ना, प्रदेश तो संख्य गुणम प्राक तैज सात, ठीक है ना, इस सूत्र का उच्चारण हुआ। अब संधि करते हैं, प्रदेश तहा, यहाँ ओ का विसर्ग हो जाएगा तो प्रदेश तहा, उससे निकलेगा असंख्य, ठीक है ना, असंख्य। तो इस प्रकार से गुणम प्राग तैज सात, तो असंख्यात गुणा, ठीक है, ये गुण मतलब क्या है, गुणा, गुणा वाला भाग, गुणा वाला होता है ना, वो अर्थ लेना है यहाँ पर। तो बोले प्रदेशों की अपेक्षा ये जो शरीर हैं कैसे हैं, असंख्यात गुण वाले हैं, असंख्यात गुण प्रदेश वाले हैं। तो जो पहला शरीर है उसमें जो है सबसे कम प्रदेश हैं, ठीक है ना, वो कम भी कितने, अनंत ही मानना, कम का मतलब भी कितना है, अनंत ही है। और उससे भी असंख्यात गुणे प्रदेश किसमें हैं, वैक्रिक शरीर में, वैक्रिक शरीर से भी असंख्यात गुणे प्रदेश किसमें हैं, आहारक शरीर में, आहारक शरीर से भी असंख्यात गुणे प्रदेश किसमें हैं, तो वो तेजस शरीर में, और तेजस शरीर में से भी असंख्यात गुणे नहीं, उसके लिए आगे सूत्र भी आएगा, यहाँ लिखा नहीं है, अनंत गुणे परे, उसमें अनंत गुणे हैं, कैसे हैं वो, उसमें अनंत गुणे हैं, उसको अपन आगे देखेंगे। और यहाँ इसलिए लिखा है प्राक, पहले कहाँ तक, तेजसात, तेजस शरीर के पहले पहले, क्या लेना है, मतलब तेजस शरीर से पहले पहले जो शरीर कैसे हैं, असंख्यात गुणे, असंख्यात गुणे, असंख्यात गुणे, इस प्रकार से इस सूत्र का ये अर्थ होता है। अब इस सूत्र की अपन विस्तार से व्याख्या करते हैं। तो इस सूत्र में अपन ने देखा कि तेजस शरीर से पहले पहले, क्योंकि तेजस शरीर जो है आहारक शरीर से अनंत गुणा प्रदेश वाला है, और तेजस जो अनंत गुणा वाला है उससे भी अनंत गुणे वाला जो है वो कार्मण शरीर है, इसलिए तेजस और कार्मण शरीर के प्रदेश कैसे हैं, अनंत गुणे हैं, ध्यान रखना अनंत गुणे हैं, दो शरीर के प्रदेश कैसे हैं, अनंत गुणे हैं, और बाकी शरीर कैसे हैं, एक दूसरे से असंख्यात गुण प्रदेश वाले होते हैं, ठीक है ना। आचार्य श्री नमोस्तु, प्रदेश किसे कहते हैं, प्रदेश किसे कहते हैं, इसका बहुत सुंदर समाधान हमारे आचार्य निमिचंद स्वामी ने द्रव संग्रह में दिया है। जावदियम आयासम अविभागी पुगलाणुवट्ठद्दम तम खुपदेशम जाने सब्बाणु ठाण दान रहीम, बहुत सुंदर समझाया है कि आकाश के जितने प्रदेश पर एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, शुद्ध पुद्गल परमाणु का मतलब है जिसका कोई विभाग ना हो सके, जिसका कोई और दूसरा टुकड़ा ना हो सके, ऐसा शुद्ध पुद्गल परमाणु अपने रहने के लिए या रुकने के लिए जितना स्थान घेरता है, जितने इस क्षेत्र में वो रुकता है, वो एक प्रदेश कहलाता है। और वह परमाणु इतना सूक्ष्म होता है कि साइंस तो उसे पकड़ ही नहीं सकती है। अभी साइंस जितने भी परमाणु की बात करती है वो सारे के सारे स्थूल स्कंद ही हैं,
अभी साइंस ने जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अभी गॉड पार्टिकल, एक नया उन्होंने उसको तोड़ा न्यूट्रॉन को, तो उससे और भी परमाणु बिखरे और उससे जो सबसे छोटा परमाणु निकला वो गॉड पार्टिकल निकला। वो गॉड पार्टिकल भी जो है वो भी अभी स्थूल ही है, उसके भी अभी असंख्यात अनंत भेद हो सकते हैं। तो सोचिए कि परमाणु कितना सूक्ष्म हो सकता है, और वो सूक्ष्म परमाणु जितना स्थान एक एरिया अपने रहने में, रुकने में ठहरता रुकता है, उसे प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदेश कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रदेश की यही परिभाषा होती है कि हमको एरिया पता करना है कि एक एरिया प्रदेश कितना होता है। तो एक पुद्गल परमाणु अपने रहने में जितना स्थान घेरता है उस स्थान को एक प्रदेश कहते हैं। इसी से सारा के सारे प्रदेशों का नाप होता है। प्रदेश कभी बढ़ते नहीं हैं और प्रदेश कभी छोटे भी नहीं होते हैं और ना ही बड़े होते हैं। जो प्रदेश का नाप है वही नाप चलेगा। जहाँ जहाँ शास्त्रों में प्रदेश की बात चलेगी उस प्रदेश का यही अर्थ लगाना, जैसे आत्मा असंख्यात प्रदेश है तो असंख्यात की फीलिंग वैसे ही होना चाहिए कि इतने प्रदेश आत्मा है। आत्मा का जब कुछ संकोच होगा, विस्तार होगा, तो प्रदेशों का संकोच विस्तार नहीं होता है, पूरी आत्मा का संकोच विस्तार तो हो सकती है छोटी बड़ी, लेकिन प्रदेश का जो एरिया है वो बड़ा नहीं होता है, वो उतने ही प्रदेश माने जाते हैं। ठीक है ना? तीन लोक असंख्यात प्रदेश ही है। तो इस प्रकार से यहाँ जो सूत्र में अपन बात कर रहे हैं वो कौन से प्रदेशों को लेना है और इसकी क्या गणना है, इसको भी अपन को समझना है। इस सूत्र में जो प्रदेश की बात चल रही है वो हमें परमाणुओं की अपेक्षा लगाना है, कि जब कहा जा रहा है औदारिक शरीर में सबसे कम प्रदेश हैं, इसका मतलब वहाँ पर परमाणु की संख्या अन्य शरीर की अपेक्षा कम है, वो बात लगानी है। ठीक है ना? शरीर तो स्थूल स्थूल है, जैसे औदारिक शरीर स्थूल है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर है, लेकिन प्रदेश क्या होते जा रहे हैं आगे आगे, असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे और आगे जाकर के अनंत गुणे प्रदेश बढ़ते जा रहे हैं। तो जो औदारिक शरीर है उसमें जो प्रदेश हैं वो अनंत प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं? उसे अपन सबसे कम प्रदेश मानो। प्रदेश का मतलब क्या? परमाणु। उनमें जो परमाणुओं की जो संख्या है वो सबसे कम है। उससे भी ज़्यादा जो असंख्यात गुणे परमाणुओं की संख्या वैक्रियक शरीर में है, मतलब औदारिक शरीर की अपेक्षा परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा किसमें है? वैक्रियक शरीर, असंख्यात गुणे। और वैक्रियक शरीर की भी अपेक्षा से आहारक जो शरीर है उसमें असंख्यात गुणे क्या है? प्रदेशों की संख्या है। प्रदेश मतलब परमाणुओं की संख्या, उसी की अपेक्षा लगाना है अपन को प्रदेश। ठीक है? और उससे भी अनंत गुणे जो प्रदेश की संख्या या परमाणुओं की संख्या जो है वो किनकी है? तेजस और कार्मण शरीर की है। इस प्रकार से अपन ने देखा कि शरीर तो सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहा है लेकिन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है? आगे आगे शरीर अपन ने देखा सूत्र परम परम सूक्ष्मम, इससे क्या अर्थ निकला? कि औदारिक शरीर से सूक्ष्म वैक्रियक है, वैक्रियक से शरीर सूक्ष्म है, आगे के शरीर हैं। तो शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहे हैं और प्रदेश कैसे होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, परमाणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। नमोस्तु गुरुदेव। शरीर धीरे धीरे सूक्ष्म होता जा रहा है, परमाणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। शरीर तो स्थूल होना चाहिए मगर वो सूक्ष्म कैसे? मेरी शंका का समाधान करिए गुरुदेव। बहुत सुंदर प्रश्न किया गया है और ये प्रश्न का आपके मन में भी आ सकता है कि जब गुरुदेव आपने कहा परम परम सूक्ष्म, ये सूत्र बताया कि औदारिक शरीर से सूक्ष्म वैक्रियक है, वैक्रियक से आहारक है, आहारक से तेजस है और तेजस से कार्मण है, ये सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहे हैं शरीर। और इस सूत्र में बताया कि जो औदारिक से असंख्यात गुणे वैक्रियक शरीर के परमाणु ज़्यादा हैं या प्रदेश ज़्यादा हैं, और वैक्रियक से असंख्यात गुणे आहारक के प्रदेश या परमाणु ज़्यादा हैं, और उनसे भी असंख्यात गुणे अनंत गुणे तेजस और कार्मण के हैं। तो इस प्रकार से शरीर तो बड़ा होना चाहिए, स्थूल होना चाहिए, फिर भी शरीर सूक्ष्म है। कितना सुंदर प्रश्न किया है, आपके मन में भी आ सकता है। तो आपको ये बता दें कि आगे आगे के जो प्रदेश असंख्यात गुणे होने पर भी उनका जो बंधन है वो ठोस होने के कारण, बंधन क्या होने के कारण? बंधन ठोस होने के कारण वो शरीर कैसा होगा? सूक्ष्म ही होगा, स्थूल नहीं होगा। इसे अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं।
जैसे रुई का ढेर लगा हो, बहुत बड़ा ढेर लगा हो, तो उसमें क्या है, देखिए वो कितना स्थूल दिख रहा है, कितना दिख रहा है, उसमें प्रदेश बहुत हैं, ठीक है ना। लेकिन एक जो लोहे का छोटा सा गोला है, और छोटा सा गोला होते हुए भी बहुत सूक्ष्म है, उसका आकार कितना है, सूक्ष्म है, लेकिन उसमें प्रदेश ज़्यादा है, क्या है, उसमें परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है, घनत्व है, इसलिए वो रुई का ढेर इतना बड़ा होते हुए भी उस लोहे के छोटे से स्थान पर उसके प्रदेश ज़्यादा होने से, लेकिन प्रदेश ज़्यादा हुए तब भी रुई के ढेर से कैसा है, छोटा है, छोटा है, सूक्ष्म है, वो कितना बड़ा है और ये कितना सूक्ष्म है। एक उदाहरण और देखिए, अपन 5 प्रकार के लड्डू बनाते हैं, मक्का का जो पॉपकॉर्न होता है उसका लड्डू बनाइए, ठीक है ना, तो कितना बड़ा है, बड़ा है, उससे और छोटा अपन क्या बोलते हैं कि उतने ही सामग्री लेकर के एक चावल की खिल्ली होती है उसका लड्डू बनाइए, तो उसमें कितने, उसमें ज़्यादा खिल्ली लगेंगी, ठीक है ना, लड्डू में। और उसके अलावा फिर बूंदी का लड्डू बनाइए तो वो छोटा हो जाएगा, पर उससे ज़्यादा उसमें बूंदी के दाने होंगे। और उससे एक दूसरा लड्डू बनाइए चुलाई का, रजगिरा का, तो वो उसमें उससे छोटा आकार होगा पर उससे ज़्यादा परमाणु उसमें होंगे, दाने उसमें होंगे। और उससे भी अलावा आप 5वां नंबर बेसन का लड्डू बनाइए, उससे छोटा बनाइए, तो लड्डू छोटा होते जा रहे हैं, लड्डू छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन परमाणुओं की संख्या क्या होते जा रही है, उनके दानों की संख्या क्या होते जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले मक्के में जितने दाने थे उससे ज़्यादा खिल्ली में दाने हुए, उससे ज़्यादा जो है बूंदी के दाने हुए, उससे ज़्यादा वो चुलाई के दाने हुए, उससे ज़्यादा दाना जो हुए क्या हुए, बेसन के। तो दाने बढ़ते गए और आकार क्या होते जा रहा है, आकार छोटे होते जा रहे हैं, ठोस रूप में होते जा रहा है। तो इसी प्रकार आकार जो छोटे होते जा रहा है, इसी प्रकार शरीर एक दूसरे के पीछे सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहा है, लेकिन उसमें प्रदेशों की जो संख्या है, परमाणुओं की संख्या है, वो कैसे होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे आगे जाके अनंत गुणे बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से यहाँ पर ये सूत्र को अपन को ऐसा समझना है। इस प्रकार से 5ों शरीरों के प्रदेशों के परमाणुओं के बारे में अपन ने पढ़ा। अब हम सभी लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य जी के द्वारा जैन पाठशाला में तत्वाश्रुत का सरलीकरण करके चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से जो अध्ययन कराया जा रहा है, उसी अध्ययन का यहाँ पर चित्रों स्लाइडों के माध्यम के साथ में यह पुस्तक यहाँ पर प्रिंट होकर के प्रथम अध्याय की पुस्तक हमारे पास में आ चुकी है। जो भी महानुभाव इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एवं यदि कोई महानुभाव अगले अध्याय द्वितीय तृतीय आदि अध्यायों की यदि पुस्तक छपवाना चाहते हैं, उनके भाव बन रहे हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।